পাঁচখন রাজ্যৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান এতিয়া পুংগত আছে। পাঁচখন ৰাজ্য হৈছে মিজোৰাম, ছত্তীশগড়, মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান আৰু তেলেংগানা। বিভিন্ন পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভোটগ্ৰহণৰ অন্তত 3 ডিচেম্বৰত এই কেইখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল ওলাব। কংগ্ৰেছে যথেষ্ট আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে ছত্তীশগড় আৰু মধ্যপ্ৰদেশত তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব আৰু ৰাজস্থান আৰু মিজোৰামতো যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব। এইখিনি সময়তেই ছত্তীশগড়ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত ব্যস্ত হৈ পৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাৰে বাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলক আক্ৰমণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে বাঘেলে। স্বাভাৱিকতে যুঁজ চলিছে শৰ্মা বনাম ভাগেলৰ মাজত। বিগত নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভূপেশ বাঘেল অসমত আহি ডিব্ৰুগড়ত প্ৰায় 15টা দিন বাহৰ পাতি থাকি কংগ্ৰেছৰ হৈ ব্যাপক হাৰত প্ৰচাৰ চলাইছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এই দলটোৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই বাঘেল ব্যৰ্থ হৈছিল। এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাঘেলৰ দুৰ্গত গৈ প্ৰচাৰ চলাইছে। আজি এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি চৰকাৰৰ ঋণ মাফৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। बाघेल जी ने कल बोला है कि हम फार्मर्स को लोन वेवर कर देगा। भैया 5 साल क्या किया आपने? अगर 5 साल आपने सरकार चलाया और अभी भी फार्मर्स को लोन वेवर का जरूरत है, मतलब आपने कुछ काम नहीं किया। अगर फार्मर्स का बेटाओं को रोजगार मिल जाता था वो तो बैंक जाता ही नहीं था, लेकिन वो बैंक जाने में क्यों मजबूर होता है बार बार? किस लिए? आपने फार्मर्स के लिए, आपने कृषकों के लिए आपने कुछ काम नहीं किया। अगर काम करता था, अगर आपने उनका बेटा बेटियों को नौकरी देता था, उनका बेटा बेटियों को आपने काम देता था तो वो तो लोन लेने के लिए जाता ही नहीं था, लोन लेने का उनको जरूरत ही नहीं होता था। लेकिन आपने कुछ काम नहीं किया, इसलिए बार बार हमारा कृषकों को बैंक जाना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है और इनकम नहीं होने का कारण लोन रिटर्न करने में असुविधा होता है। भाई और बहनों, अगर आज हमें छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी को बड़ा करता था, छत्तीसगढ़ में उद्योग आ जाते थे, छत्तीसगढ़ में अगर रोजगार खुल जाते थे तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में सरकार का तरफ से कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया गया है, खाली अपना लोगों के लिए रोजगार का व्यवस्था किया जा रहा। কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা বাৰে বাৰে অভিযোগ কৰা হয় যে ইনকম টেক্স আৰু ইডিক এনফোর্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰক বিজেপিয়ে বিৰোধী দলৰ বিৰুদ্ধে লগায়। আজি ৰাজস্থানত মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটৰ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰ অভিযান চলায়। ছত্তীশগড়তো বাৰে বাৰে ইডিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযান চলায়। ইয়াৰ বাবে বিজেপিক সমালোচনা কৰি আহিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলে। আজি ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ईडी क्यों आते हैं, सीबीआई क्यों आते हैं? अगर कोई छत्तीसगढ़ का सरकार दारू में भी घोटाला करेगा, कोई सरकार कोयला में भी घोटाला करेगा, कोई सरकार गोबर में भी घोटाला करेगा तो सीबीआई और ईडी नहीं आके वहां में कौन आएगा? आप ही खुद बोलिए। तो आप ही सीबीआई को बुला रहा है, आप भी ईडी को बुला रहा है, आप क्यों गोबर का घोटाला किया? आपने क्यों दारू का घोटाला किया? आपने क्यों कोयला का घोटाला किया? अगर ये सब नहीं होता है तो सीबीआई भी नहीं है, वो सब नहीं है तो ईडी भी नहीं है। लेकिन आप घोटाला का ऊपर घोटाला करेगा और ईडी आने से आप नाराज हो जाते हैं। मैं तो मानता हूँ कि आप जब तक घोटाला करेगा, छत्तीसगढ़ में हर जिला में ईडी और सीबीआई का ऑफिस होना चाहिए कि भाई जो भी घोटाला करे उसका ऊपर अनुशासन हो, उनका ऊपर शासन हो। भाई और बहनों, कोई पार्टी टिकट देता है और 22 विधायकों का टिकट काट देते हैं। अगर 22 एमएलए का टिकट काटते हैं, इसका मतलब क्या है? आपने तो खुद ही मान लिया कि हमारा जो सरकार था वो बेईमानों का सरकार था। अगर आपका सरकार ठीक था,
अगर आपका विधायकों ने अच्छा काम किया तो 22 लोगों का टिकट क्यों काटा? मतलब आपने खुद मान लिया, अब तक जब हमारा पार्टी ने जो पब्लिक मन से बोल रहा था कि आपका विधायकों ने रुपया लूट रहा है, आपका विधायकों ने गरीबों का साथ अन्याय कर रहा है, अभी तो आपने खुद ही मान लिया, आपने 22 टिकट काट दिया। अगर 70 विधायकों में का अंदर में 22 टिकट आप ही काट लिया, मतलब ये तो आप खुद आपने ही स्वीकार कर लिया कि आपका सरकार भ्रष्ट था, आपका विधायक भ्रष्ट था, ये तो आप ही मान लिया। और बाकी आपने जो कुछ नहीं माना है वो आपको पब्लिक मना देगा, इलेक्शन का दिन वोटिंग मशीन में वो पब्लिक आपको मना देगा। হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় উত্থাপন করা এই গুরুতর অভিযোগের বিষয়ে আজি মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলে সোধা হয়েছিল। ভূপেশ বাঘেলে কি করে সেবা মন্দির শুনো। हेमंत विश्व शर्मा जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस सरकार यहाँ वाटी में काम की होती तो उसको कांग्रेस जो लोन वेवर है वो नहीं करना पड़ता। पहले तो ये बताया कि उसको उसकी पत्नी को किसान भारत सरकार ने किसान संपदा योजना के तहत उसको उन्होंने अप्लाई किया था कि भारत सरकार ने अपने से दे दिया है, जो 10 करोड़ का उसको पैसा मिला है वो किसके तहत मिला है, उन्होंने अप्लाई किया उसकी पत्नी ने कि खुद किया है। NB News, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।